तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है और इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ विद डिटरमिनेंट। तो अब ये क्वेश्चंस को देखिए कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी साइन सी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, और ये कॉन्सेप्ट फिर से जैसे मैंने बोला है कि ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद में मैं इसके ऊपर बेस्ड ही एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट कैसा है देखिए कि यहाँ दिया हुआ है साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी दैट इज इक्वल टू 3 साइन ए साइन क्यूब बी साइन बी एंड साइन सी। तो ये तो ये आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आइडेंटिटी को यहाँ पे हमने यूज किया है। देखिए, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल्स में आते हैं, ट्राइंगल्स में जो साइन रूल लगता है, ये ए बी सी, ये साइड्स का लेंथ ए है, ये साइड्स का लेंथ बी है, ये साइड्स का लेंथ सी है, ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी। तो साइन रूल के हिसाब से ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इसको हम बोलते हैं साइन रूल, ठीक है। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए लागू होता है, मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, चाहे ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल्स के लिए साइन रूल इस प्रकार का, ए अपॉन साइन ए, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा कुछ खास बात इसमें रखा नहीं है, मगर ये आइडेंटिटी के साथ में जब हम इसको यूज करते हैं, देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ है साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इक्वल टू, को इधर ला लीजिए, 3 साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 0 हो गया। यहां से मुझे मिलेगा स्टूडेंट साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी, करेक्ट है। तो साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये वर्ड को आपको पकड़ लेना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब जो साइड्स है एंगल के अपोजिट, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड्स है, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड्स है, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड्स है, वो सब इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और अब इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 0 मिल गया, क्योंकि अब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, रोज तीनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर 0 फाइन है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार का अगर ये ट्राइंगल्स में इस प्रकार का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो उसमें आप ये मान के चलना है कि वो हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, आपको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्यों आया, क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है। अब ये रिलेशन नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन इस प्रकार के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में यह है, तो आप क्या करो, फर्स्ट टाइम आपने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में अब आप वो ट्रिक लगा सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी बोल दिया है, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे दिया। अब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू अगर मैंने सी कर दिया, तो ये दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे, या तीनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, करेक्ट, रोज बोलो या कॉलम बोलो सब आइडेंटिकल हो जाएंगे। इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली वेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब हमने बात कर दी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की है, इसका मतलब ये तीनों एंगल सेम होंगे, दैट इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर ए, मतलब 3 साइन स्क्वेयर ऑफ 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 3 जा आपका, ठीक है, 3 हो गया, साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, मतलब ये हो जाएगा 9 के बाद में आ जाएगा ये 4, तो ये फाइनली 9/4। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आंसर आपने बड़े आसानी से निकाला, आपने वो ट्रिक लगा दी कि ये 0 है, ये 0 तभी पॉसिबल होगा
जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, करेक्ट। इसके पहले हमने देखा था कि जब ट्राइंगल्स में वो रिलेशन देखा था साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इक्वल टू थ्री साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है, तब वहाँ से ये पता चला था कि साइन ए इक्वल है साइन बी के, इक्वल है साइन सी के, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, मतलब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार का तो कोई दिया नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप इसको यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा, लेकिन आप टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देंगे, आपको टाइम सेव करना है। तो यहाँ आपने सीधा सीधा लगा देना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये ए बी और सी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे दो कॉलम या तीनों कॉलम या दो रोज या तीनों रोज आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो फाइनली ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आंसर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो 9/4। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।